तो फाइनली आज मैं आ चुका हूं उस बाइक के साथ जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से, और रॉयल एनफील्ड ने भी काफी इंतजार करवाया उसके लॉन्च में। काफी टाइम से स्पाई शॉट्स आ रहे थे, न्यूज आ रही थी कि बाइक आने वाली है बॉबर स्टाइल में, बट अब इंतजार खत्म हो चुका है। फाइनली आ चुकी है रॉयल एनफील्ड की बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल, रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650, और मैं इसके साथ खड़ा हूं। मेरे साथ है मोंटी भाई। मोंटी भाई कैसे हैं आप? बढ़िया प्रकाश भाई, आप बताओ कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। तो मोंटी भाई हमारे साथ आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड से, ये हमें हेल्प करने वाले हैं आज की इस बॉबर वीडियो में, जहां पर बॉबर स्टाइल की मोटरसाइकिल को शॉर्ट गन को हम दिखाने वाले हैं, 650 सीसी की बाइक को, और हम लोग इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कितने तरह के लुक्स मिलते हैं, क्या कलर ऑप्शंस आते हैं, क्या फीचर प्राइसिंग सारी चीजें इसके अंदर मिलती है, सारी डिटेल डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ और मोंटी भाई के साथ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए भाई सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के बारे में, लुक्स के बारे में, क्योंकि ये बाइक देखने में बहुत अलग है, सेगमेंट भी अलग है, थोड़ा इस बाइक के बारे में बताइए। बाइक की बात करूं तो ये बाइक अपनी लुक्स में बॉबर लुक आता है पूरा। बाइक में बात करता हूं तो इसके अंदर आपको 650 इंजन मिलता है। लुक्स के बारे में बात करता हूं, जैसे आप सामने देख सकते हो एक आपको LED सेगमेंट मिलता है पूरा, ये आपको ग्लास मिलता है, ठीक है। ये अपनी अदर बाइक से बहुत अलग बाइक है, आप देख भी सकते हो जितने भी रॉयल एनफील्ड की बाइक है उससे थोड़ा सा अलग लुक देने की कोशिश की है रॉयल एनफील्ड ने। बाकी बात करो इंजन आपका 650 सेम वही है, और इसमें जो हेडलाइट वगैरह मिल रही है भाई, हेडलाइट LED मिल रही है, और इंडिकेटर आपको हैलोजन मिल रहा है, LED आपको लाइट मिल रही है, LED हेडलाइट्स मिल रही हैं, हैलोजन वाले बल्ब मिल रहे हैं। अलॉय व्हील्स की बात करें, बाइक अलॉय व्हील्स में ही आती है, अलॉय व्हील्स में आती है, और सारे मॉडल्स के अलॉय व्हील्स में ही आती है। इसके अंदर ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, डुअल डिस्क और डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस बाइक के अंदर अगर कलर ऑप्शंस की बात करें तो कितने कलर ऑप्शंस? 4 कलर ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर आपको, ठीक है। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट खड़ा हुआ है, कस्टम बोलते हैं इसको, कस्टम में आपको व्हाइट कलर है ये पूरा। तो कौन कौन से वेरिएंट है, क्या क्या कलर वेरिएंट की बात करो, दो ही वेरिएंट्स होंगे, कस्टम आएगा एक सिंपल वेरिएंट आएगा। तो कलर डिफरेंस में क्या है? कलर डिफरेंस होंगे, सब चीजें सेम ही रहेंगी बाकी। तो कौन सा कलर आता है ये? सबसे बड़ी बात करूं ये ड्यूअल टोन कलर आता है आपको, ब्लैक के साथ ग्रे आता है, एक ग्रीन कलर आता है, और एक ब्लैक कलर आता है, पूरा ब्लैक आता है, ग्रीन कलर आ रहे हैं, चार कलर है और दो वेरिएंट्स आ रहे हैं बाइक के साथ, ठीक है। इसके अंदर स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन आता है, यही वाला ऑप्शन आता है, यही ऑप्शन आता है, आप सिंगल सीट करके भी चला सकते हो, प्लस आपको रिले की भी दी गई पीछे से, अगर ये सीट हटा सकते हो, मैं आपको सीट हटा के भी दिखाता हूँ फ्रेश भाई, ठीक है। आप यह सीट हटा के देख सकते हो, इसमें आपको सामान कुछ लगेज वगैरह रखना हो, आपको बांधना है तो कर सकते हो, और ये पूरा हट भी सकता है यहाँ से पूरा। अच्छा, ये पूरी रैली हट जाती है, पूरी रैली हट जाती है, और सिंगल सीट आप चला सकते हो बाइक को, ठीक है। तो ये रॉयल एनफील्ड की शॉटगन जो है ये एक बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल है, बॉबर स्टाइल सिंगल पीस में ही अच्छी लगती है क्योंकि उसी लिए बनाई जाती है, और इसको अगर आप लोग सिंगल पीस बनाना तो बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है डीलरशिप पे जाना पड़ेगा, सिर्फ की लगाइए और ये हटा दीजिए, ये आपकी बॉबर बन जाएगी। कुछ रैक वगैरह पे रखना है आपको, माउंट करना है तो आप लोग कर सकते हैं, बट अगर नहीं करना है तो रैक भी निकल जाता है, ठीक है। तो बाइक के अंदर हमें LED लाइटिंग सेटअप मिल रहा है, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, दो तरह के कलर, 4 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, दो वेरिएंट्स मिल रहे हैं, और सीट जो है बॉबर स्टाइल बन जाती है इस तरीके से आप लोग इमेज में देख रहे हैं। अब बात करें भाई जो इसके अंदर यहाँ पर गार्ड वगैरह लगे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड आती है इसके साथ? ये स्टैंडर्ड नहीं है, एसएसडी का पार्ट है, स्टैंडर्ड में आपको लेग गार्ड वगैरह नहीं मिलेगा। तो इसका क्या कॉस्टिंग रहता है हमारा? कॉस्टिंग की बात करूं आपको दोनों चीजें समथिंग आपका पड़ जाती है, 5500 का लेग गार्ड रहता है अपना, और अपना 3450 का नीचे सम गार्ड रहता है, ठीक है। तो समथिंग 9000 समथिंग में आपका सब कंप्लीट रहता है, ठीक है। तो 9000 की एक्सेसरीज लगवा सकते हैं जो कि यहाँ पर गार्ड वगैरह लगे हुए हैं और नीचे गार्ड लगा हुआ है, ये आप लोग तकरीबन 9000 रुपए का लगवा सकते हैं रॉयल एनफील्ड से। बाकी अगर बात करें तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है रॉयल एनफील्ड का इसके साथ, कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं, कुछ अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, हो सकता आने वाले टाइम में रॉयल एनफील्ड में आता है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसके दिल की, जो कि दमदार दिल है 650 सीसी का, क्या क्या सीसी है, क्या पावर वगैरह? सीसी की बात करूं आपको 650 सीसी का इंजन मिलेगा, BHP की बात करता हूं आपको 47 की BHP प्रोड्यूस करेगी बाइक आपका, और टॉर्क भी अच्छा खासा दे देती है, 40 का टॉर्क दे देती है, अच्छा खासा टॉर्क देती है, 47 BHP और 40 Nm का टॉर्क जनरेट कर देती है। तो क्या ये वही इंजन है जो पहले मिलता था 650 सीसी? वो सेम टू सेम को सुपर मीटियर वाला GT वाला है, और 650 सुपर मीटियर में जो इंजन मिल रहा है वो सेम है, शॉटगन के अंदर दिया है, खाली बाइक को चेंज किया है, चेंज किया है, पर चेसी वाइज बात करें, आपने बताया चेसी सेम है बाइक का, चेजिस आपका सुपर मीटियोर वाला चेजिस है सेम, ठीक है। तो सुपर मीटियोर वाला चेसी इसके अंदर दिया गया है, बाकी बाइक के अंदर डिजाइन चेंज कर दिया गया है, बाइक का सेगमेंट बदल गया है, अब ये बाइक शॉटगन हो चुकी है, नाम इसका हो चुका है, बाकी सेगमेंट इसका जो है बॉबर स्टाइल हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, क्या फीचर मिल रहे हैं 650 सीसी बाइक? फीचर्स की बात करूं सर, इसमें आपको पूरा आपको रोडस्टर बाइक का फीचर देती है पूरा। अच्छा, क्या आप क्या फीचर मिल रहा है? फीचर्स की बात करूं आपको इसमें आप एनालॉग देख सकते हो, एनालॉग आपको फुली डिजिटल मिलता है, जिसमें आपको ट्रिप मीटर में मिलता है, बाइक के अंदर आपको हजार मिलते हैं, हजार लाइट जल सकती है आपके, पूरे सेल्फ मिलता है आपको, रोटेटेड स्विच है, ठीक है, और आपको इसमें सबसे बड़ी बात एडजस्टेबल लीवर है, आप लीवर एडजस्टेबल कर सकते हो, तो ब्रेक्स और क्लच दोनों हमारे जो है एडजस्टेबल है, इसके स्लिपर क्लच भी मिल रहा है, स्लिपर क्लच है बाइक, ठीक है, स्लिपर क्लच भी इस बाइक के अंदर मिल रहा है। और इस बाइक के अंदर बात करें जो रोटेटरी स्विच होते हैं
जो मीटियोर के अंदर सुपर मीटियोर मिलते हैं वही इसके अंदर दिए जा रहे हैं। और ये पियानो ब्लैक के साथ आपको फिनिश मिलता है, और ये पियानो ब्लैक फिनिश भी मिल रहा है। और यहाँ पर जो ट्रिपल नेविगेशन है ये स्टैंडर्ड आ रहा है मॉडल, स्टैंडर्ड आ रहा है। 650cc शॉटगन के अंदर ये ट्रिपल नेविगेशन अलग से नहीं लगवाना पड़ेगा। जिन बाइक्स में नहीं आता है तकरीबन 6000 की कॉस्टिंग पड़ती है ना, और ये आप लोग लगवा सकते हैं। बाकी बात करें स्पीडोमीटर की, सेमी डिजिटल है, यहाँ पर अंदर डिजिटल है, बाहर आप लोग को एनालॉग मिल रहा है, अंदर आप लोग को ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है, साथ में लगा हुआ है पॉड लगा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। भाई टैंक कितने साइज है इसका? टैंक की बात करूँ 13.5 लीटर का टैंक होगा अपना। और क्या माइलेज होगा? माइलेज की बात करूँ आपको वही 20-25 का माइलेज देगी बाइक, ठीक है। 650cc की बाइक है, अच्छी खासी पावर दे रही है, अच्छा टॉर्क दे रही है, तो माइलेज ज्यादा नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आप लोग अच्छे से चलाते हैं, क्योंकि हमेशा से मैं कहता हूँ माइलेज जो होता है आपके चलाने पर बहुत डिपेंड करता है, अगर आप लोग अच्छे से इकोनॉमिकली चलाते हैं बाइक को तो आप लोग को ठीक ठाक माइलेज मिल जाता है। बट एवरेज जो है वो तकरीबन 20-25 के आसपास, 30 के आसपास माइलेज आप लोग को मिल जाएगा। ये तो बात हो गई प्राइस की, इसकी फीचर की, इंजन की, लुक्स की। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर क्या प्राइस रहने वाला है। प्राइस की बात करूं तो प्राइस भाई ये आपको पड़ती है 4,30,000 से लेके 4,48,000 के अंदर, ठीक है। 4,30,000 से लेके 4,48,000 ये ऑन रोड प्राइस है, ऑन रोड प्राइस यूपी के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है। अंदर यूपी के हमने प्राइस बताए हैं, बट अगर आप किसी और सिटी से हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वहां का प्राइस ले सकते हैं, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। अब बात करते हैं भाई ये बाइक लेने के लिए हमें कहां पर आना पड़ेगा। बाइक का आपको लेने के लिए नोएडा में आना पड़ेगा, नोएडा सेक्टर 63 में आना पड़ेगा, नियर बाई अपना इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने जस्ट अपना शोरूम में, ठीक है। आपको उमर राइडर में आना होगा और कॉन्टेक्ट करना होगा मेरे से, मेरा मोबाइल नंबर होगा 9319681276, ठीक है। तो मोंटी भाई से मिलिए, मोंटी भाई को कॉल करिए, इनको थोड़ा सा परेशान करिए, सेल्स की क्वेरी करिए, जो भी बाइक लेनी है। बाइक का बुकिंग अमाउंट क्या रहने वाला है भाई? बाइक का बुकिंग अमाउंट 650 का रहेगा अपना, 10,000, और बाकी 350 का 5,000, ठीक है। तो 350cc की बाइक अगर लेते हैं तो 5,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट है, और 650cc की लेते हैं तो 10,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट है। बाकी वेटिंग पीरियड की बात करें, नया मॉडल है, बहुत डिमांड में है, कितना वेटिंग पीरियड? वेटिंग पीरियड की बात करो आपको 3 महीने में बाइक प्रोवाइड हो जाएगी, 2 से 3 महीने में, ठीक है। बाइक 2 से 3 महीने की इसके अंदर बुकिंग चल रही है, मतलब आप लोग को वेटिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि अच्छी चीज का इंतजार करते हैं, उसी को सबर कहते हैं। तो थोड़ा सबर करिए, अच्छी बाइक मिलेगी आप लोग को, जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। भाई अगर बात करते हैं इस बाइक को, अगर हम लेते हैं तो कोई डिस्काउंट तो नहीं चल रहा है, क्योंकि न्यू मॉडल है, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं चल रहा है। और अगर हम बात करें मिनिमम डाउन पेमेंट्स की और डाउन पेमेंट की बात करूं, आप 95% हम फंडिंग कर देते हैं, अगर आप 5% भी डाउन पेमेंट करोगे तो क्या अमाउंट रहेगा मिनिमम? 40 से 50 हजार के अंदर। 40,000 रुपए में शॉटगन मिल रही है, तो 40,000 रुपए दीजिए, शॉटगन ले जाइए रॉयल एनफील्ड से। टेस्ट राइड की बाइक अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल। उमा राइडर्स पे आइए, नोएडा 63 पे, मोंटी भाई से मिलिए, बहुत बढ़िया तरीके समझाते हैं, काफी वीडियो हमारे साथ बनवा चुके हैं, प्राइस लिस्ट भी बनाई है इन्होंने रॉयल एनफील्ड की, नहीं देखी है जाकर चेकआउट करिए। हिमालयन 450 की भी वीडियो देखिए, राइड वीडियोस भी देखिए, जाकर चेकआउट करिए, डिसीजन बनाइए, यहां पर आके टेस्ट राइड बुक के बाइक को चलाने के बाद डिसीजन बनाइए और बाइक को घर ले जाइए। आज के इस वीडियो में यही था, थैंक यू सो मच मोंटी भाई हमें एक्सप्लेन करने के लिए इस बाइक के बारे में, रॉयल एनफील्ड के बारे में। बहुत मजा आया हमें, आपको भी पसंद मजा आया होगा, उम्मीद है। तो अगर मजा आया है तो लाइक करिए आप लोग भी, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मोटोनॉमिक्स पहली बार है, एक बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, बाकी वीडियोस चेकआउट करिए, हमारे लॉन्च वीडियोस को, रिव्यू वीडियोस को, बाइक कार सारी वीडियोस को देखिए, चेकआउट करिए, और हमारे उस पर कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों ने वीडियो देख ली, और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।